ठाकुर जी ने भात भरा था, किसका? हरनंदी का। और कितने करोड़ का मायना था? 56 करोड़ का। हाँ, किसी ने ना तो ऐसा भात भरा, ना कोई भर पाएगा। और जब भात भरा तो क्या क्या चीजें भात में दी थी, उसका जिक्र इस गाने में किया गया है। एक बार प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की, और गा रहे हैं। और भात भरने नंदलाल, और लगे भात भरने नंदलाल, और लगे हर नंदी का भात भरने नंदलाल। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। पर आनंद लीजिएगा कैसे भात भर रहे बांके बिहारी और मिलकर के गा रहे हैं। और भात भरने नंदलाल, लगे भात भरने नंदलाल, ओ लगे हर लगती का भात भरने नंदलाल, ओ लगे हर बेचारी का। किया आरता हर नंदी ने, नरसी छोड़ मुरारी का। किया आरता हर नंदी ने, नरसी छोड़ मुरारी का। ऐसा चीर उड़ाया जिसको दखनी चीर कहते हैं। भाई हमने तो देखा नहीं, हमने तो पता नहीं कैसा होता है दखनी वखनी, पर सुना है। सबसे पहले हर नंदी को आपने देखा है? आपने भी देखा? मतलब आप तो हमसे बहुत पहले गए हो, तो आपके टाइम पे भी नहीं था, पता नहीं। अच्छा ही होता होगा जब भगवान ने उड़ाया है तो। हो सबसे पहले हर नंदी को दखनी चीर उड़ाया था, हीरे मोती कणी मणि का थाल छलकता आया था। और रथ में देके हाथ श्याम ने मनसा सेठ बुलाया था। रथ में देके हाथ श्याम ने मनसा सेठ बुलाया था। जो सामान लिखा पर्चे में, जो सामान लिखा पर्चे में, नंदलाल, ओ लगे हर नंदी का
लाज रखी राम बन करके, मीरा की लाज रखी घनश्याम बन करके। वैसी हर नंदी कहती है मेरी लाज रख लेना, क्योंकि प्यारे हो रामा रामा रटते रटते सब निपटाए। हरनंदी की सास की सास थी, बड़ी गुस्सेल मोटी, बोली तेरे बाप के पास कुछ ना हो ना, दो पत्थर लेते आए। वही पत्थर गुस्से में बोला था, दो पत्थर ले आए, हम मालेंगे बात भर गया। वही पत्थर ठाकुर जी, सोने के पत्थर, सोने के दो पत्थर लियो जो बड़ी सास ने मंगवाए। तुम गिरोगे उल्टे मुंह,
दांत अलग टूटेंगे, क्योंकि जितनी रफ्तार के साथ सक्सेस होती ना वो सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप ही हजम होती है। अगर सीधा चढ़ोगे एक रात में चढ़ोगे तो गिरोगे भी बहुत जल्दी। सबने सोचा भाई सोना भर ले, सोना कोई सकेर ना घर पे कोई सकेरे जाके बाट। आप जैसी माताएं पानी भर रही थी, पनिहारी पनघट पे सकेरे बढ़िया लोग सकेरे हाट। दो भी सोचे मैं घाट सकेरू सब ते दूने पड़ोसी अच्छे मिल जाए ना, नसीब की बात है, वरना तो जीना हराम कर दे। आपके लिए नहीं है ये, आपके लिए नहीं है, उनके लिए जो बदतमीज होते हैं पड़ोसी ऐसे। धोबी ने सोचा कि घाट वाला ले आता हूँ। पड़ोसी इतने इतने अच्छे कि घर में कूद गए। अरे अबे है नहीं घर में सारा साफ, माताओं ने पानी भरना छोड़ दिया तो घाट साफ। अब धोबी वापिस आया तो घर का रहा ना घाट का। यहाँ से ये कहावत शुरू होती है। इसीलिए कहा लालच बहुत बुरी बला है। जितना नसीब में लिखा, जितना लिखा होगा ना वो आपके पास चल के आ जाएगा, और जो आपका नहीं होगा वो आपकी मुट्ठी से फिसल जाएगा। इसीलिए लालच मत करना, ठीक है? और कहा घर और घाट